Welcome grade 5. Hope you will be fine. Today is 4th September 2020. Subject English, grade 5. Lecture number 21. See today diary. Transitive and intransitive verbs from workbook pages 56 or 57. Transitive. Transitive mean mutadi. यानी कि ये एक ऐसे फेल से मुतलक होता है जिसका अमल जो है हम अपने फाइल से तकमील तक पहुंचने के लिए इसके मुकम्मल मानी दे। और इंट्रांजिटिव ये हम लाजमी को कहते हैं, यानी कि फेल लाजिम से जो मंसूब होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ब क्या होता है। एज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ वर्ब, द वर्ड विच शोज़ एन एक्शन इज़ कॉल्ड वर्ब। यानी कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिसमें एक्शन शो हो रहा है, यानी कि कोई भी काम हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एग्जांपल देखिएगा, वॉकिंग और रनिंग। यानी कि इट मींस कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड जो कि एक्शन शो कर रहा होगा वो क्या होगा, वो वर्ब होगा। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब देखिएगा, द वर्ब विच हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ब जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखता है वो क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल देखिएगा, द मैन एट द केक। यानी कि आदमी जो है वो क्या खाता है, वो केक खाता है। एट हमारे पास यहाँ पे जो है वो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो केक है, तो इसलिए इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो इसलिए ये कौन सा वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। हेयर द वर्ब एट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केक, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब इसके अपोजिट हैं, द वर्ब विच हैज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें इनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, द बॉयज़ प्लेड, यानी कि लड़के खेलते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि लड़के कहाँ खेलते हैं और किधर खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, यानी कि इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, इट मीन्स ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। हेयर द वर्ब हैज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज नोबडी नोज व्हाट द बॉयज प्लेड, और कोई भी ये नहीं जानता कि लड़के जो हैं वो क्या खेलते हैं, यानी कि हमें इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, इट मीन्स ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। सो वी कैन से दैट प्लेड इज़ अ इंट्रांजिटिव वर्ब because it has no direct object. Note, many verbs can be both transitive and intransitive. बहुत ज़्यादा verbs ऐसे भी होते हैं जो कि transitive भी हो सकते हैं और intransitive भी। Underline the transitive verbs only. यानी कि आपने क्या करना है, आपने just जो transitive verbs होंगे उनको underline करना है and circle the direct object. और जो direct object होगा उसको आपने circle करना है। एग्जाम्पल देखिएगा, वी सा द शिप्स। यानी कि वी सा हमने देखे, क्या हमने क्या देखे, शिप्स। अब देखिएगा, सा हमारे पास वर्ब है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना, और इसका ऑब्जेक्ट है शिप्स, शिप्स इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो सा हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन करेंगे और शिप्स को हम सर्कल करेंगे। सेंटेंस टू, द गर्ल्स लाफ। अब गर्ल्स लाफ, लाफ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज इट हैज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। सेंटेंस नंबर थ्री, द चिल्ड्रन आस्क्ड क्वेश्चंस। जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट हमने देखी कि वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पर भी हमने जो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है उसको अंडरलाइन किए हैं और जो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सर्कल किए हैं, और इसी तरह से हम इस सेंटेंस में भी करेंगे। आस्क्ड हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि ये अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं जो कि क्वेश्चन हैं, इसलिए हम क्वेश्चन को सर्कल करेंगे। सेंटेंस नंबर फोर, टीचर पनिश्ड। पनिश्ड हमारे पास जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसका कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। नंबर फाइव, द ओल्ड मैन ड्रैंक वाटर। ड्रैंक हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाटर है, इसलिए हम इसको सर्कल करेंगे। द फोर्थ, फोर्थ हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज इट हैज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बॉयज पेंटेड सम पिक्चर्स। पेंटेड हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज इट आल्सो हैज़ सम पिक्चर्स। सम पिक्चर्स हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको सर्कल करेंगे। इन योर नेक्स्ट पेज, व्हाट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, गिव एग्जांपल्स आल्सो।
जिनके आपने बताना है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या हैं और साथ में इसकी एग्जांपल्स भी देनी है। दी वर्ब विच हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा वर्ब जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखता है इस कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल है इसकी, दी गर्ल सा अ स्नेक। सा हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज इट हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्नेक। वट इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब? आपको कंसेप्ट क्लियर है कि इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। द वर्ब विच हैज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल देखिएगा, टीचर टेल्स। टेल्स हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज इट हैज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें ये नहीं पता कि टीचर क्या बताती हैं, इसलिए ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जाम्पल हैं, चेंज द इंट्रांजिटिव इनटू ट्रांजिटिव। इनके हमारे पास इंट्रांजिटिव स्टेटमेंट हैं, हमने इसको ट्रांजिटिव में चेंज करना है। वी प्लेड क्रिकेट। हमने प्लेड हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हमने क्या किया कि हमने इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिकेट राइट कर दिया। इनके वी प्लेड क्रिकेट एंड सो ऑन। शी कोक्ड। कोक्ड हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे हमने इसको ट्रांजिटिव वर्ब में चेंज करना है। शी कोक्ड बिरयानी एंड सो ऑन। दे इंजॉयड। इंजॉयड हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको हमने ट्रांजिटिव वर्ब बनाना है इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देकर। दे इंजॉयड पिकनिक। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। होप यू अंडरस्टैंड वेल अबाउट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। रिवाइज एंड राइट योर लेसन्स क्लियरली। अल्लाह हाफिज़।